नमस्कार किड्स, वेलकम टू आवर फेवरेट चैनल फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैजिक एजुकेशन। टुडे वी विल रिज्यूम आवर एक्सरसाइज 2.2 व्हिच इज अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इजी। इफ यू कैन सी द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द डायग्राम, हम फटाक से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को देख के इसके ऊपर दिमाग लगा के अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स का वैल्यू मिल गया है, वीडियो पॉज करो और चैट में जवाब लिख दो, that is in comments. So kids, हमारा first challenge है to identify who is the transversal. So I'm sure you are able to see that I've just colored the line which is intersecting two other lines. So it means that is acting as my transversal. And along with that, I'll be also highlighting the zone where x and 3x lie. As you can see, x and 3x lie in what we have learned till now is the interior. बराबर, एंड ऑल्सो दे आर एक्स एंड थ्री एक्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वी जस्ट नो द प्रॉपर्टी फॉर दैट। द प्रॉपर्टी इज द इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स इफ आई एड द टू angles mentioned, I should get 180. That's so simple. That means 4x is 180 and x is 45 degree. You must be thinking, how? Kids, 4 or x ke beech mein, 4 or x ke beech mein ek invisible multiplication sign hai. Kya hai? Invisible multiplication. And on the other side, that is 180, jab ye x और 4 का ऑपरेशन किया जाएगा, दैट मींस 4 इज शिफ्टेड और ट्रांसपोज्ड ऑन दैट साइड, इट बिकम्स 180 अपॉन 4 एंड डिवीजन ऑफ दैट विल गिव अस 45। सो विद दैट यू एंड आई हैव जस्ट फिगर्ड आउट व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, लेट्स गो अहेड। 4x आई एम श्योर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, आई एम श्योर वी आर आइडेंटिफाइंग 4x लाइज इन द इंटीरियर, बट 4x क्या करेगा, अब कैसे करेंगे काम? So, we have several ways of solving this question. And I repeat, several. पर हम उसमें से कोई भी एक क्लिक कर सकते हैं अपने दिमाग में. Okay? Now, what I am able to easily see is one combination which can give me VOA. 2x can just take me in the interior and let me use VOA as the first step. I'm sure this is also 2x and the reason for that is VOA. और बिकॉज ये एमसीक्यू है तो हमें रीजन स्पेसिफाई लिख के नहीं करना है, हमें बस अपने पास होना चाहिए। नाउ इफ यू लुक एट 4x एंड 2x नाउ आफ्टर डूइंग VOA, आई एम श्योर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द रिलेशन। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जब भी आपको इतना वर्ड आएगा आपको आगे का खुद ही क्लिक होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द transversal and the answer for that is supplementary. Whatever. Okay, so let's just finish it. 4x plus 2x is equals to 180. 6x equals to 180. And kids, 6 or x ke beech mein invisible kuch to hai. Aur wahi 6 ko us taraf transpose karwayega aur hame de sakta hai 180 upon 6. On this note, I stop my question here and let you think of the option, find it and put it in the comments. Now, let's look at the question number 2. It is a mix of a lot of things. I can see x, 40, y and 70 and you and I need to find x and y. So, let's first of all identify the two lines we'll deal with first with their respective transversal. तो आपका और मेरा काम है पहले अपने दो लाइंस को डिसाइड कर लें। तो मैंने उन दोनों लाइंस को आपकी सहूलियत के लिए कुछ कलर कोड कर दिया है। ओके, एंड उनके रिलेटेड जो ट्रांसवर्सल है मैं उसको भी बना रहा हूं। सो यू कैन सी द ब्राउन लाइंस आर माय टू लाइंस पैरेलल व्हिच आई विल कंसीडर एंड द ट्रांसवर्सल व्हिच आई विल बी कंसीडरिंग इज माय लाइन एल। कम ऑन, super easy. Again, you have to understand where an x and 40 are
and we have to do something to find a relationship between them. बहुत सारे तरीके क्वेश्चन करने के. Let's look at the one of them. मैं यहां पे कुछ एंगल्स को अपने अल्फाबेट्स भी दे सकता हूं. जैसे कि आपको पता है when two lines at a transversal meet, we get eight angles. उसमें से दो को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है. Let me give like A and B. I'm sure you are understanding it really well. Now we can say A and X have some relation. Think. A and X have a relation. A and X. Yes, you got it right. They are corresponding angles. Superb. तो अगर मुझे relation समझ में आ गया है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सॉल्यूशन. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम बनाने के बाद जो हम लेबल करते हैं टीचर्स कंसिडर दैट लेबलिंग वैलिड फॉर द सॉल्यूशन. सो आई कैन सिंपली से एंगल ए नो. कैन आई से दैट नो. आई हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल. ये होती है इंट्रोडक्शन. जब तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया किसी को भी नहीं पता चलता कि आप क्या सोच रहे हो या क्या कर रहे हो. नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स. आपने रीजन दिमाग में बहुत बढ़िया सोचा है. अब हम उसको लिख देते हैं. द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैथमेटिक्स स्पेशली ज्योमेट्री रिलेटेड स्टफ इसमें रीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. On what basis are you writing? So property of corresponding angles के basis पे हम ये लिख सकते हैं. And now, if my A and X are equal, what do you think A is doing with 40? What is A and 40 doing with each other? Think. Yes, those who have thought that it's a linear pair, fabulous. A plus 40 is 180. The reason for that is pretty simple. They form a linear pair of angles. So what is A? A is given to me. Yes. I think A is given to me as X. अभी तो मैंने देखा था ऊपर. And 40 as it is, no change. And what happens? Angle X is here. 40 goes that side. It transposes and becomes negative. So angle X in that way after subtraction is 140 degree. High five. Super kids. Yahan tak maza aa gaya. Now kids, for part 2 of the same question, you and I need to find Y. And for that, we need to understand who are the two lines and who is the transversal. So my line P is parallel to line Q and transversal is line S. So we write that. After the introduction successfully written, we look at where does Y and 70 lie and accordingly we plan. Y is certainly in the interior. अरे यार ये तो मुझे एक question जो अभी पहले किया था थोड़ी देर पहले उसी का hint दिला रहा है. Yes, you got it right. That 70 if it goes here, it forms a BOA. So let me just give a name here as angle C. Okay? And we mentioned the same. Angle C is equals to 70 degree. And the reason for that is vertically opposite angles. Superb everyone till here. Superb. Now, we need to find Y. And I can understand that Y and C have a certain relation. Angle Y and angle C. They are somewhere. Okay. So now angle Y plus angle C is 180 degree. I'm sure you have seen the hint on the diagram with the shaded section. It is the property of interior angles और इतना इसके आगे आपके दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए. On one side of the transversal. So angle Y plus angle C is 180. Now angle Y unknown. Angle C we just found as 70. We replace that.
Okay, and when we do the transpose of 70 towards the right, it goes and subtracts. So we get, therefore, angle Y is 110 degrees. As simple as that. Isn't it amazing? Chalo, great for those who got it right. Let's look at question number 3. It's very interesting and also slightly confusing. क्योंकि यहाँ पे हमको दो जोड़ी पैरेलल लाइंस की दी गई है, बी टू क्यू पैरेलल, एल टू एम पैरेलल. अगर हमें कुछ भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आवर फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई विच टू लाइंस वी यूज एंड हु वुड बी द ट्रांसवर्सल. तो चलो पहली जोड़ी सोचते हैं और शुरू करते हैं. So here we have decided who would be the first set of parallel lines, that is P and Q, and the transversal is line L. And I'm sure with that strategy, हमें कोई तो एक ABC में से मिल जाएगा. And I think it's A. And if I look carefully between AT and A, and I know my basic strongly, तो AT और A की एक जबरदस्त जोड़ी है, which is called as pair of interior angles on one side of the transversal. So let's see how we write. Line P parallel to line Q and line L is the transversal. Based on that, we have decided that angle A and that 80 degree form what is called as pair of interior angles on one side of the transversal, jo ki hota hai supplementary. So, based on the reason, I can write here property of interior angles. इसके आगे के जो words हैं, वो दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए. On one side of the transversal. With this, I can transpose now 80 degree on the right hand side, and it becomes 180 minus 80. So, what we get is angle A is 100 degrees, and we have just achieved our first part. So let's give it a information one and write here part one. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now to reach B, we need to think of who would be our next set of parallel lines and who would be a transversal. So let's just take a pause to think. Yeah, I have decided how will I proceed from A to B, and I'm sure you must have thought as well. But I am unable to have a relation between A and B. So what do I do? Can I think of something? Yes, we can put an angle here just above B as X. And you must be thinking, X kuch to kar sakta hai A ke saath. To zara socho, X jo hai wo bahut simple हमारे ए के साथ ऊपर ऊपर वाला एक जोड़ी बना रहा है. ऊपर ऊपर मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो वी कैन जस्ट फिनिश इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लेट्स स्टार्ट. लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन क्यू इज द ट्रांसवर्सल. कितना इजी है ना. चलो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स. अभी अभी हमने डिसाइड किया था क्या रीजन है. प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज. क्योंकि अभी अभी हमको थोड़ी देर पहले ये 100 डिग्रीज मिला था. वंस वी हैव अचीव्ड एक्स, आई थिंक द रूट टू बी इज क्लियर, बिकॉज एक्स एंड बी form something which we have already studied. They are two angles on the same line, which is known as angles in a linear pair. And angles in a linear pair are supplementary. Supplementary का मतलब होता है इनको add करने पर हमको मिलेगा 180 degrees. So ये हमारा 180 degree यहाँ पे. And I think having value of x, which is 100, b unknown, 180 known, we can just transpose. And I think
you and I will be successful in getting angle B is equals to 80 degrees. Super. चलो अब सिर्फ थोड़ा सा बचा है और फिर से हमें एक ही चीज करनी होगी, कौन पैरेलल लाइंस और कौन ट्रांसवर्सल। सो अब भी सोचो और आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपने भी मेरी तरह ही PQ को पैरेलल किया और M को ट्रांसवर्सल सोचा। सो लेट्स बिगिन। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज द ट्रांसवर्सल एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा काम बड़ा आसान हो गया। एंगल बी और एंगल सी ऑलरेडी एक रिलेशन बना रहे हैं और अगर मैं सिर्फ थोड़ा अपना नेक ट्विस्ट करूंगा तो मुझे वो दिख गया। दे टुगेदर आर फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऊपर ऊपर नीचे नीचे वाली जोड़ी। एंड इफ दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स द प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, और इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमको एंगल बी का वैल्यू मिला था, so that means angle C का वैल्यू भी वही होगा and that helps us finish the question, but we are not done yet. Final answer लिखना बहुत important होता है और final answer के वजह से आपको half mark मिलती है, so never forget to write the final statement in a box. Final answer in the box, half mark in the pocket. Now question number 4, क्या easy question है, कुछ confusion नहीं है। कौन पैरेलल है कौन ट्रांसवर्सल है बड़े क्लियरली दिया हुआ है और सारे रिलेशंस भी बड़े क्लियरली दिख भी रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन बहुत तेजी से कर सकते हैं। आप मेरे साथ शुरू हो जाएं। हमारा फर्स्ट काम क्या होता है सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे, हु इज पैरेलल एंड हु इज माय ट्रांसवर्सल। वंस दैट इज एस्टैब्लिश्ड उसके ऊपर से सोचना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ 105 and x, I see a direct relation. 105 and x, कुछ एक direct relation मुझे दिख रहा है। Yes, if I twist my neck a bit and I see them, or twist my phone a bit and see them, I can see them as corresponding angles. So by property of corresponding angles, they are equal. Isn't it easy? Yes, it is fabulously easy. Okay. With the same, I can go ahead. And now I can say x and y are also related. You have to think a bit, not much. Yes, they form a pair of vertically opposite angles. They form a pair of vertically opposite angles. Or usse angle y ki value thi wahi ho jati hai jo x ki thi, which is 105 degrees. And as we have just these mini achievements, let me highlight them. Fabulous, still here. Let's go ahead. सबसे easy तो है मुझे लग रहा है angle Z ढूंढना. Angle Z and 105 degrees. They are forming something जो अभी हमने discuss किया था. A linear pair. एक line पे दो angles. And because they form a linear pair, their total is 180 degrees. Now, Z remains as it is. 105 will shift and become negative or transpose. So, transposition ke baad, subtraction ke baad, we get angle Z is 75 degrees. So, with that, we come to the end of the question. The part that remains is writing the final statement. Angle X is 105. Angle Y is also 105 and angle Z is 75 degrees. Done. Kuch baki hai? Haan. Box dalna. Let's do that. Okay, hum successfully ho gaye. Let's look at the next question. Question 5 and also the last question of the exercise. Diagram bada interesting hai. But challenging nahi hai itna zyada. अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं बेसिक्स का एक रिवीजन करा देता हूं। हमारा बेसिक्स है फर्स्ट जॉब आइडेंटिफाई टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल विल बी कंसीडरिंग। तो हमारा फर्स्ट जॉब वही होता है, तो बेस्ड ऑन दैट लेट्स बिगिन। सो फॉर पार्ट 1 लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड अ बिट। मैंने मेरे दो पैरेलल लाइंस चूज कर लिए हैं। लाइन पी
is parallel to line L. But I do not have a name for the transversal I have chosen. So let me give it a name that I think fit. Let me give it M and accordingly write it. And line M is the transversal. Everyone superb till here. अब इसके बाद आपको और मुझे डिसाइड करना है हम वो पूरा एक्स कैसे ढूंढेंगे. तो मुझे दिख रहा है जैसे ही मैंने मेरा ब्राउन लाइन बनाया दैट इज लाइन एल, वो एक्स कहीं तो कट गया. अगर कट गया तो मैं डायरेक्टली एक अजम्पशन ले लेता हूं. मैं डायरेक्टली एक अजम्पशन ले लेता हूं. लेट एंगल एक्स बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. लेट एंगल एक्स बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एक जो मैं ऊपर की तरफ लिखना चाहता हूं ए, और एक मैं जो नीचे की तरफ लिखना चाहता हूं बी. सो एंगल एक्स इज नथिंग बट एंगल ए प्लस एंगल बी. सिंपल ना. मैं किसी भी एंगल को दो टुकड़ों में तोड़ ही सकता हूं. और यहां पे तो मेरी हेल्प कर रहा है मेरा ट्रांसवर्सल. नाउ विद दैट अचीवमेंट ए विच इज द अपर पार्ट एंड 40, ये दोनों ना मुझे कुछ तो एक जोन में दिख रहे हैं. मैं आपके लिए ये जोन हाईलाइट कर देता हूं. यस, दोज हू गॉट इट करेक्टली, सुपर. ये है हमारा इंटीरियर जोन. और ये जो नो दो एंगल्स हैं, ये भी इंटीरियर में ही है, बट एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ है, एक इस तरफ है. तो उस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी आई थिंक मुझे तो क्लिक हो गई. आपको हो गई तो पॉज करो, नीचे कमेंट्स में सिर्फ प्रॉपर्टी कौन सी वो लिख दो. Let's resume. So with that, what I have understood is angle A is equals to 40 degrees. And the reason for that, जो आपने comments में लिखा है, उसी को देख के property of alternate angles. एकदम simple. जो Z बनाता है. So A मिल गया 40. बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. अब चलते हैं हमारे पार्ट टू की तरफ. फॉर पार्ट टू मुझे वापस वही काम करना है. मुझे दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करनी है और मेरा ट्रांसवर्सल डिसाइड करना है. सो आई हैव जस्ट डन दैट. और जिसको नाम नहीं था उसको मैंने दे दिया लाइन एन. सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल. विद दिस अचीवमेंट I can easily think of B and something in the diagram. मुझे interior zone दिख रहा है, मुझे मेरा B बनाया हुआ खुद दिख रहा है, and I can see B and 30 have a relation. And you have got it right. जो relation हमने B अभी थोड़ी देर पहले establish किया था, वही है. Angle B is 30, and the reason for that is property of alternate. Yes, यहां पे भी एक Z formation हो रहा है, उल्टा Z, but हो रहा है. And with this fabulous achievement, मैं जा सकता हूं आगे. कैसे अब मैं जा सकता हूं मेरे X जो मैंने starting में सोचा था. मेरा जो X है वो बना है दो part से. मैंने खुद उनको बनाया था A and B. और अब मुझे मेरा ए पार्ट का वैल्यू पता है 40 डिग्री, मुझे बी पार्ट का वैल्यू पता है 30 डिग्री. एंड विद दैट आई हैव माय अचीवमेंट दैट एंगल एक्स इज 70 डिग्रीज. एंड खत्म. वी हैव टू फाइंड एक्स. हमने वो ढूंढ लिया. फाइनल आंसर बॉक्स मार्क इन द पॉकेट. एंड विद दैट वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.2. फैबुलस किड्स, एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, सी यू सम अदर टाइम, बाय बाय. And if you have liked the content of this channel, don't forget to like. And if you would like to suggest it to others, share karo bindas, baki sare 8 ke bachcho ko bhi batao.